एलकाना नामक एक पुरुष था और उसके दो पत्नियां थीं। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। पनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। इस बात से हन्ना बहुत दुखी रहती थी। पनीना उसे इस बात से उसका मजाक उड़ाती कि उसके पास कोई भी संतान नहीं। हन्ना इन सब बातों को सुनकर बहुत रोती थी। फिर हन्ना मंदिर में जाकर रो रो कर प्रार्थना करने लगती है आंसुओं के साथ, और प्रार्थना में परमेश्वर से कहने लगी कि यदि तू मुझे एक पुत्र दे तो मैं उसे तेरे भवन में सौंप दूंगी। जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी तो सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। तब उस समय प्रभु के भवन में जो याजक थे, जिसका नाम एली था, वो देख रहे थे कि हन्ना क्या कर रही है। हन्ना के होंठ तो हिल रहे हैं, पर कोई आवाज नहीं आ रहा है। तब एली सोचने लगा, शायद हन्ना मदिरा पीकर बैठी होगी, इसलिए नशे में वो बकबक कर रही है। तब एली ने हन्ना से पूछा, तू क्या कर रही है? तो हन्ना ने कहा एली से, मैं अपना दुख परमेश्वर से बांट रही हूँ। तब एली को समझ में आया और कहने लगा, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर जरूर उत्तर देगा। तब कुछ महीनों के बाद परमेश्वर ने हन्ना के जीवन में अद्भुत काम किया। हन्ना ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम सामुएल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने सुना। एक बात हन्ना ने परमेश्वर से कहा था, सामुएल के जन्म होने से पहले परमेश्वर से वायदा किया, और वह यह था कि प्रभु आप मुझे यदि संतान देंगे तो मैं हमेशा के लिए उसे आपके भवन में दे दूंगी, ताकि वो आपकी सेवा करे। हन्ना ने अपने वायदों को पूरा किया। इससे हम यही सीखते हैं कि यदि हम अपने परेशानियों को प्रभु के सामने रखते हैं और वह पूरा हो जाता है, तो हमें भी प्रभु के साथ किया हुआ वायदा को भी पूरा करना चाहिए। आपको याद करने के लिए एक वचन दिया जा रहा है, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 पद ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझसे प्यार करता कितना गहरा, यीशु मुझसे प्यार करता कितना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा, इतना गहरा,
जाएंगे, अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु मसीह, फिर से एक बार तेरे चरणों के पास आते हैं आज के प्रभु जी वचन पर। तो आशीष दे प्रभु, और जिस प्रकार हन्ना प्रार्थना करती थी उसी प्रकार हम सब का प्रभु जीवन होने पाए, और प्रभु हमारी सहायता कर ताकि हम अपने जीवन को प्रभु अच्छे जीवन से व्यतीत करते हुए तेरी महिमा करने पाए। सारा आदर मैं तुझको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दर्शन ग्रहण कर, आमीन। हमारे इस कार्यक्रम को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।